prime minister narendra modi addressed the nation in the 107th edition of his monthly radio show monkey bath on sunday pm modi began his address by paying tribute to the victims of 26-11 mumbai terror attack and praised the brave hearts that laid their lives protecting the nation the prime minister held a powerful and comprehensive talk that touched upon several important topics modi emphasised the importance of standing united against terrorism पीएम मोदी ऑल्सो ग्रीटेड द नेशन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे विच सेलिब्रेट द एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यूज इट रिप्रेजेंट्स. लेकिन आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं आज के ही दिन देश पर सबसे जधन्य आतंकी हमला हुआ था आतंकियों ने मुंबई को पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ को कुचल भी रहे हैं मुंबई हमले में अपना जीवन घवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं इस हमले में हमारे जो जाबाज वीरगति को प्राप्त हुए देश आज उन्हें याद कर रहा है उन्नीस में आज के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिलकर के नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे इन कंटिन्यूएशन ऑफ इस वोकल फॉर लोकल कैंपेन मोदी स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट्स Speaking on the importance of water security, Modi emphasized the need to conserve and manage this vital resource. While concluding his latest edition of Man Ki Baat, PM Modi called the year 2023 a year of limitless achievements for India. Overall, Modi's speech was a reminder of the importance of unity, diversity, and sustainability in India's future. Vocal for local ka abhyan. पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार की गारंटी है ये विकास की गारंटी है ये देश के संतुलित विकास की गारंटी है इससे शहरी और ग्रामीण दोनों को समान अवसर मिलते हैं इससे स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन का भी मार्ग बनता है और अगर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक है जल सुरक्षा जल का संरक्षण करना जीवन को बचाने से कम नहीं है जब हम सामूहिकता की इस भावना से कोई काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है इसका एक उदाहरण देश के हर जिले में बन रहे अमृत सरोवर भी है अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने जो पैंसठ हजार से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं वो आने वाली पीढ़ियों को लाभ देंगे देखते ही देखते 2023 समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और हर बार की तरह हम आप ये भी सोच रहे हैं कि अरे इतनी जल्दी ये साल बीत गया लेकिन ये भी सच है कि ये साल भारत के लिए असीम उपलब्धियों वाला साल रहा है और भारत के की उपलब्धियाँ हर भारतीय की उपलब्धि है मुझे खुशी है कि मन की बात भारतीयों की ऐसी उपलब्धियों को सामने लाने का एक सशक्त माध्यम बना है मनीष परब एंड शिवानी सांगेलकर फॉर गोवा 365